है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद में लगे लॉकडाउन के अंतर्गत बाहर से आ रहे भूखे मजदूरों और व्यक्तियों को भोजन वितरण किया गया और साथ ही जनपद में मजदूर गरीब परिवारों, रिक्शा चालकों इत्यादि को भोजन वितरण कर उनको लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई के बारे में जागरूक किया गया और भरोसा दिलाया गया कि प्रशासन के द्वारा उनकी पूरी मदद की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद में लगे लॉकडाउन के अंतर्गत बाहर से आ रहे भूखे मजदूरों और व्यक्तियों को भोजन वितरण किया गया और साथ ही जनपद में मजदूर गरीब परिवारों, रिक्शा चालकों इत्यादि को भोजन वितरण कर उनको लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई के बारे में जागरूक किया गया और भरोसा दिलाया गया कि प्रशासन के द्वारा उनकी पूरी मदद की जाएगी। वरिष्ठ घर से बाहर नहीं निकलना है और भीड़ भी नहीं इकट्ठा करनी है। क्यों नहीं करनी है? बीमारी केवल ऐसे एक दूसरे के पास बैठने से। लो सांस को भी खिला देना। बुला लो, कहाँ है वो? कृपया सभी लोग घर में अंदर रहे। इटावा जाओगे? घर है तुम्हारा? खाना वाना खाए तुम लोग? कहाँ मिला था? आगरा के पाइप है। कितने खिलवाया? हाथी के टिपाट के गुड़गांव से कैसे कैसे आए? बस साधन मिल जाते हैं आप लोगों से, कुछ लोग बैठा देते ट्रक पर। कहाँ जा रहे हैं तुम्हें? और ये क्या करते हो? बस जॉब कर रहा हूँ सर। एक्सपर्ट कंपनी ने संडे को भी बंद कर दिया, तो सोमवार को किसने बुलाया कि बताएंगे सोमवार को? अगर शनिवार को बता देता तो शनिवार को निकल जाते, इसलिए सोमवार का ना बताऊंगा। फिर सोमवार तो बिल्कुल बंद ही रहेगा। मतलब कितना किलोमीटर का चले? अभी चल गया हूँ 70 किलोमीटर, पता चला। और वहाँ भी मिल जाता, जैसे आप करो जैसे बुलाते हैं। अभी अलीगढ़ में फंस गया था मैं, वहाँ से एक दरोगा जी आए, उसने फिर एक बस करी, बस से यहाँ आगरा तक। चलो लोग कुछ खाओ, इधर जाके दूर से बैठे खाना सब लोग, ठीक है? वहाँ जाके बैठे। सर, ये आज आपके द्वारा क्या सराहनीय कार्य किया गया? देखिए, सराहनीय तो नहीं, लेकिन ये है कि चूँकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत दूर दूर जगहों से आ रहे हैं, जैसा कि निर्देश है, इन सभी लोगों को एक जगह रोका जाए, इनकी स्क्रीनिंग की जाए, इनको यहाँ वहाँ ना घूमने दिया जाए। और इसमें बहुत लोग ऐसे जिन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी समय से भोजन नहीं किया था, वो स्थानीय स्तर पर उसकी व्यवस्था करा कर उनको भोजन कराया गया और इन लोगों को स्क्रीनिंग करा करके और जो भी इनका गंतव्य है वहाँ पे भेजने के बारे में विचार कर रहे हैं। मोस्टली कितने लोग, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये जो अभी ज़्यादातर लोग तो दिल्ली, नोएडा के हैं, कुछ लोग इधर पलवल, राजस्थान के बताए गए हैं। और सभी लोग काफ़ी, उनका कहना है कि लगभग 2 दिन से ये लोग इसी तरीके से चल रहे हैं, तो इनके फ़िलहाल स्क्रीनिंग की और इनकी जो खाने की व्यवस्था वो कराई गई है। और बाकी हम लोग अन्य भी देख सकते हैं किस प्रकार से जो है, जो लोग इस तरीके से परेशान हैं उनकी मदद की जा सके।